हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली सही से यूज़ करने का तरीका इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर आप भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो या फिर यूज़ करना चाहते हो तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे यूज़ करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको परमिशन मांगता है, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन दे देनी है। फिर यहाँ पर आपको इसे पूरा 100% प्रॉपरली सही से ओपन होने देना है। और अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों इस प्रकार से एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा। ये जो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है, इसके अंदर आपको वीपीएन सर्वर की लिस्ट मिलेगी। साइड में यहाँ पर आपको अपलोड एंड डाउनलोड डाटा देखने को मिल जाता है। एक बड़ा सा होम बटन मिलेगा बीच में, नीचे की तरफ टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट बटन मिलेगा। आपको क्या करना है, जो सर्वर की लिस्ट का ऑप्शन है वीपीएन सर्वर की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कितने सारे आपको सर्वर रहते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। सभी सर्वर एकदम सिक्योर रहते हैं और फास्ट रहते हैं। कोई भी सर्वर पर क्लिक करके इजीली आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यूके का सर्वर है, इस पर मैं कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक मैंने कर लिया। अब यहाँ पर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आएंगे तो आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो आपका वीपीएन कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपका वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपका वीपीएन कनेक्ट होने के बाद इंटरफेस दिखा देगा कनेक्शन सक्सेसफुली। और यहाँ से आपको इस तरीके से दिखाई देगा, अपलोड एंड डाउनलोड डाटा भी आपका स्टार्ट हो जाता है। टाइमिंग भी यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है। टाइमिंग लिमिट को भी आप बढ़ा सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो। इसके बाद दोस्तों आप जो भी काम के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो ईजिली यूज़ कर सकते हो। और पूरा प्रॉपरली सही से यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया। एसी आपको यूज़ करना है, डिसकनेक्ट करना है, बटन पर क्लिक कर लेना है। आपको वन क्लिक के अंदर आपका वीपीएन डिसकनेक्ट भी हो जाएगा। पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।